बीच में पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, मैं पढ़ाई में होशियार था, मैं इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट रखा था, मैथ्स में भी अच्छा था, पर ऐसे संजोग आए कि मैंने बोला कि पढ़ाई को बाद में देखेंगे, और मैं बिजनेस के रास्ते में चला गया। अब गौतम भाई, आपके चक्कर में बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देंगे कि पढ़ाई छोड़ने से पैसा बनता है? मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई आदमी को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। मैं वो रास्ता चुन नहीं पा, वो मेरी कम नसीबी है। मैंने एक दूसरा रास्ता ढूंढा और वो मेहनत और एक्सपीरियंस का था, और वो मेहनत और एक्सपीरियंस से मेरा विजडम बढ़ाया। और मैं कभी कभी शांति से सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई और नॉलेज होता और उसके साथ में मेरा ये एक्सपीरियंस और विजडम होता तो मेरे को लगता है कि शायद मैं आज का गौतम अदानी से भी बेहतर हो सकता था। तो आप 10-12 साल पहले नंबर 1 बन गए।